हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोदित में। और आज हमारे पास है रेडमी का नोट 5। तो चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं। और अगर अनबॉक्स के ओवरव्यू की बात करते हैं तो सामने की तरफ आपको मिलेगा एमआई का लोगो, ऊपर लिखा हुआ इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड, और नीचे लिखा हुआ है रेडमी नोट 5 बाय शाओमी। और राइट एंड लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रेडमी का नोट 5, इधर लिखा हुआ है रेडमी का नोट 5 नीचे, और ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं दिखता है। और हम बात करते हैं पीछे की तरफ, तो उसके कुछ की फीचर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं 5.99 इंच का 18:9 का डिस्प्ले मिलेगा, फ्रंट सेल्फी लाइट मतलब एलईडी मिलेगी आपको इसमें, 4000 mAh की बैटरी, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 भी मिलता है प्रोसेसर। ये मेरे पास है 3 GB 32 GB, इसमें आपको 4 GB 64 GB भी मिलता है। ये आपको 10,000 रुपये के अंदर फ्लिपकार्ट और एम आई के मी स्टोर पर मिल जाएगा। चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करेंगे तो आपको एक सॉफ्ट केस कवर मिलेगा इसका एम आई का। ये आपको फ़ोन रखते साइड में। फिर हम बात करते हैं दूसरे कंटेंट की, तो आपको एक इसका चार्जर का मिलेगा जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर पर है, और एक बी टाइप केबल, USB सिम इजेक्टर पिन, और ये कुछ वारंटी कार्ड्स, क्विक कार्ड्स, स्टैम्प वगैरह। ये सामने इधर फोन है। फोन का अगर हम ओवरव्यू करते हैं तो आपको ऊपर पीछे सर करते ऊपर ही तरफ आपको मिलेगा एक 12 MP का कैमरा, ड्यूल LED सेल्फी, फिंगरप्रिंट सेंसर, और नीचे की तरफ MI का लोगो ब्रांडिंग दी रखी है। और हम बात करते हैं नीचे की, तो नीचे में आपको मिलेगा एक माइक, मेन माइक, स्पीकर, और एक बी टाइप चार्जिंग पोर्ट। और हम साइड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलेगी जो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, और इस तरफ आपको मिलेंगे वॉल्यूम रॉकर्स और मेन बटन, और ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है 3.5 mm का जैक, सेकेंडरी माइक और आयर ब्लास्टर। चलिए फोन को ओपन करके देखते हैं कि इसको अंदर क्या क्या मिलता है। सामने की तरफ आपको मिलेगा इसमें 5 MP की सेल्फी और एक LED लाइट। तो देख सकते हैं ये मेरे पास फोन है। और अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते तो बहुत ही फास्ट चल रहा है। मैं लगा रहा हूँ ये क्लोज ओपन, तो क्विक है फिंगरप्रिंट सेंसर, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है। और इंटरफेस की बात करें तो आपको इसमें MIUI 9 मिल रहा है पूरा इंटरफेस में। तो आप ये देख सकते हो साइड में की तरफ आपको ये कुछ स्पेशल क्विक सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप कैब बुक कर सकते हैं, नोट वगैरह लिख सकते हैं। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं अबाउट फोन भेजाने की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अबाउट फोन में, तो इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड का नोकेट 7.1.2, और इसमें आपको रैम है 3 GB की, और ये MIUI 9 9.2.9 पर मिलता है। उसे कुछ सेटिंग्स की बात कर सकते हैं। देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा कि डिस्प्ले, थीम, लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में आप लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन, बैटरी। अगर बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। और स्टोरेज की बात करते हैं तो 32 GB में से आपको 21 GB अवेलेबल, 25 में से 21 GB अवेलेबल है। और SD कार्ड अगर मैं आप लगा सकता हूँ, जिसमें मैंने SD कार्ड लगा रखा है जो भी है, याद इसमें कुछ कैमरा सैंपल्स मैंने इसमें से फोटोज का ली है, जैसे ये विद सेल्फी जो LED लाइट में लिया है तो उसका बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, बट और ये बिना LED लाइट के लिए तो बहुत ही अच्छा आ रहा है ये लिया है, क्योंकि जो सेल्फी है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है काम चला सकते हैं। और इसका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, इसमें से कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलेगी आपको जो आप चला सकते हैं। MI कम्युनिटी प्री इंस्टॉल्ड ऐप में से आपको अमेजोन, फेसबुक वगैरह, ये आप देख सकते हैं 18:9 है इसका एक्सपेक्ट डिस्प्ले, जो बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है चलाने में, बहुत ही ईजी टू यूज़ रहेगा, काफ़ी अच्छा लगता है ये फ़ोन हाथ में। बट रेडमी नोट 4 अगर हम रेडमी नोट 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको डिस्प्ले का चेंज मिलेगा, बाकी प्रोसेसर से लेके बाकी सब चीज़ बिल्कुल सेम है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं किया है। इसमें आपको जैसे सिक्योरिटी का ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लीनर, बूस्ट वगैरह, इसका खुद का ऐप लॉक वगैरह लगा सकते हैं, डीप क्लीन, डाटा यूजेज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको एक और एप्लीकेशन मिलेगी सेकेंडरी स्पेस में, और इसमें मी रिमोट मिल जाएगा, जिससे आप आयर प्लास्टिक से टीवी चला सकते हैं, जैसे मैं इसमें कनेक्ट कर सकता है सैमसंग की टीवी और वीडियो कॉन सेटबॉक्स, तो वो भी इसमें चल जाएगा, रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चलाने में। इस बॉक्स के अंदर आपको एक सिलिकॉन का बैक कवर मिलेगा जिसको रेडमी नोट 5 का, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से मिलेगा ब्लैक कलर के अंदर।
इसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे, और ज्यादा जानकारी के आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।